अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं लिम्बर वैली में, जो कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला में एक खूबसूरत ही जगह है। तो हम सब साथी एक नए सफ़र की ओर चल दिए, जो कि हमने पहले ही प्लान कर रखा था कि हम आज के दिन ट्रैकिंग पे जाएंगे। तो हमने सोचा क्यों न यहीं से एक कंटेंट क्रिएट किया जाए, ताकि हम अपनी YouTube फैमिली को भी जो भी हो वो करे। तो अगर हम तेज चलेंगे तो हमारी मंजिल बिल्कुल करीब है। अब क्या एक घंटा लगेगा हमें? अब हम चाय बना रहे हैं, उसके लिए हम लकड़ी का इंतजाम हमने कर रखा है। आपको आग जलेगी या नहीं? जल गई है आग, बस अब 10 मिनट में चाय बिल्कुल तैयार होगी। देखिए आप चाय पत्ती कैसे जाएगी, खाट कम खाओगे या ज्यादा फराम भाई? मीडियम में खाओगे। तो देखिए हम इसमें खांड भी डालेंगे। पहले हमने मैंने आज पहली बार चाय बनाई, उस चाय का मतलब ये मेरी चाय ताई। कैसी बनी है चाय आदिल भाई? ओह वाह वाह, नाइस। ये देखिए ये हमारा वाजा, ये लगा हुआ है बारबेक्यू के लिए। तो ये देखिए ये इसको इतना मजा आ गया ये खा रहा है। हाँ आपने पी चाय वाजगा को किसी को? अभी पीएंगे थोड़ा, ये पहले मत। ये तो हो गया मेरा जुगाड़ कंप्लीट, तो अब मैं खाऊंगा इसे। तो ये रही मेरी चाय, इनसे दूरी रखनी पड़ती है कि ये फ्रेंड सर्कल वाजे को वरना चाय पिलानी पड़े, खुद जाना है खुद लाना है। ये थी हमारी चाय और ये बन रही है हमारे भाभी की उसके लिए आग। थोड़ा मसाला तैयार किया है, गोश्त भी फिट हो चुका है, अब बस इंतज़ार, अब सिर्फ आग का है। ये देखिए और मसाला डालेंगे, इससे थोड़ा इसका तीखापन और ज़्यादा होगा। ये नमक थोड़ा सा, क्योंकि नमक की मात्रा थोड़ा कम है।
और ये मसाला मीट मसाला, इससे टेस्ट और स्मेल दोनों में बेहतरी होती है। और आप जाइए, आप बर्तन धो के लाइए। ये देख सकते हैं आप, इस वक्त बारबेक्यू बन रही है और रौनक का धुआं लगता हुआ। रौनक ने अपना नाक बंद किया। अब आगे भी आप क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, इनको जला दिया आपने यार। इंशाल्लाह वो तो है, हमें पता है, लेकिन आप तो फाइनली हम जा रहे हैं शूट पे। अब हमने सोचा क्यों ना ड्रेसिंग अपनी चेंज कर दी जाए। हम निकॉन 5600D से अब शूट करेंगे। तो सब बंदे जो हैं वो अपनी ड्रेसिंग कर रहे हैं और अब हम देखते हैं वाटरफॉल के पास पहुँचे तो वही देखिए आप कैसी पिक्स आएगी। और ये देखिए हमारे पीछे का नज़ारा, ये देखिए हमारे इस साइड वाला नज़ारा, देखिए वाटरफॉल को देखना। और ये देख सकते हैं आप कितना मस्त और प्यारा नज़ारा है ये। चीप जा रहे हैं, चीप आई लफा था वा। इतना आप कितना खोखला है, बहुत खोखला है। अभी देखना इसके अंदर कैमरा दिखाइए आप जरा, कहीं सांप वाप ना हो। देखिए कितना है, इसमें इंसान आराम से रात को रह सकता है। बहुत गहरा है ये, ऊपर भी दिखाइए थोड़ा, देखिए। पिछली बार आया था तो ये पुल नहीं था, ये रिसेंटली बनाया है, ये खुद ही बनाया है भाई नेचर, क्योंकि सैलाब आया है। आप देख सकते हैं बड़ा दीवार खुद ही गिरा है और वो नीचे दीवार का आधा टुकड़ा गिरा है, इसलिए ये पुल बना है। आपको मैं दिखाता हूँ, जब पिछले साल आए थे तो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये दीवार का ये टुकड़ा, ये उस पत्थर से उस पत्थर के दरमियान थे, लेकिन इस साल तो पुल चेंज हुआ है। रब इट्स नेचर, नेचर ने तो सब आ चुके हैं। तो रास्ते अजीब गरीब क्योंकि दानिश भाई के ये फितने होते हैं कि हर बार नए रास्ते। मैंने बोला था ना ब्रो रास्ता वहाँ से, नहीं आपने गलत रास्ता दिखाया, थोड़ा बहुत बातों में मैं फंस गया। ओ यार यार मेरे को पकड़ यार। तो गाइस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी जंगल में ट्रैवल करें तो कुछ बॉडी परफ्यूम और लोशन, जिससे कीड़े दूर रहते हैं, वैसी चीज़ का इस्तेमाल करें, वरना दानिश भाई की तरह आपके पैर में भी ऐसे कीड़े आपके जिस्म में जाने की कोशिश करते हैं कि क्या ही बताएं। तो गाइस